नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दीप यूटी आईटीआई अहिरवास भड़कोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स साइंस का तीसरा टॉपिक वर्गमूल, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ऑफ रूट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्गमूल होता क्या है, तो मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। पहले बात करेंगे वर्ग की, तो मूल बात में याद करेंगे इसका, इसकी परिभाषा लिखोगे, यदि किसी संख्या को उस ही संख्या यानी स्वयं से गुणा कराने पर प्राप्त राशि को वर्ग कहा जाता है। देखो जैसे दोस्तों बात कर रहे हैं एक के वर्ग की, तो इस प्रकार लिखेंगे एक का वर्ग। जैसे कोई संख्या मैंने एक रखी थी, उसको उसी संख्या से स्वयं से गुणा करा दिया था। इसी प्रकार दो का वर्ग, दो गुणा दो चार आएगा। इसी प्रकार तीन का वर्ग, तीन गुणा तीन नौ आएगा। लेकिन वर्ग की जो घात है उसको किस प्रकार प्रदर्शित करें? यदि दोस्तों किसी संख्या की घात दो लगा दी जाए, तो इसका कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि मुझे एक का वर्ग ज्ञात करना है। इसी प्रकार यदि दो की घात दो लिख दी जाए, तो ये क्या लिखूंगा इसको मैं, दो का वर्ग। चाहे तो दो का वर्ग लिख दो, चाहे इसकी घात दो लिख दो। घात का तात्पर्य होता है, जैसे एक बार संख्या लिख लेता हूँ, घात मैंने दो लिख दी है, तो यही संख्या को कितनी बार गुणा कराना है उसमें, दो बार। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी वर्ग की बात, लेकिन आगे जो बात आएगी वो आएगी वर्गमूल। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, वर्गमूल या वर्ग याद करने के कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं, तो इसके लिए आप केवल एक से लेकर दस तक के वर्ग याद कर लें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक का वर्ग दोस्तों एक होता है, दो का वर्ग चार होगा, तीन का वर्ग नौ होगा, चार का वर्ग सोलह होगा, पांच का वर्ग पच्चीस होगा, छह का वर्ग छत्तीस होगा, सात का वर्ग 49 होगा, आठ का वर्ग 64 होगा, नौ का वर्ग 81 और दोस्तों 10 का वर्ग जो होता है वो होता है 100। मैं ज़्यादा नहीं कहता, केवल आपसे बोल रहा हूँ कि 10 तक के वर्ग केवल याद कर लें, जो कि आसान भी है या आप कह भी सकते हैं। दोस्तों ये वर्ग याद करने के जो फायदे हैं वो आपको, जैसे वर्गमूल याद करूंगा तब बताऊंगा इसका फायदा क्या है, इनकी यदि शॉर्ट तरीके बता देंगे आपको फटाफट। विकल्प आपके क्वेश्चन मिलते हैं, तो विकल्प आपके तो हमारे पास टाइम की उपलब्धता होती है दोस्तों, तो इसलिए जल्दी जो क्वेश्चन हल होगा उसका टाइप भी आपको पता रहेंगे। अब जो हम लिखेंगे वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती हो। वर्गमूल कहलाता है।
जैसे दोस्तों पुनचास का वर्गमूल, पंचास का वर्गमूल कितना दोस्तों? सात। वर्तमान में यदि मैं सात का वर्ग कर देता हूँ तो मेरे को मूल संख्या मिलती है उनचास। तो जो ये वाली राशि है तो उनचास का क्या कहलाएगी? वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल को कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे मैंने लिख दिया उनचास की घात एक बटे दो, यानी किसी भी संख्या की घात यदि आधी लिख दी जाती हो तो दोस्तों उसको ही वर्गमूल बोला जाता है, उनचास का वर्गमूल। यदि 49 को अंडर रूट लिख दिया जाए तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 49 का वर्गमूल। कहने का तात्पर्य ये हुआ वर्गमूल को संकेत रूप में एक बटे दो भाग या अंडर रूट से दर्शाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार आपके वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की दोस्तों यहाँ हम अक्सर दो विधि पढ़ेंगे, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी गुणनखंड विधि। मैं लिखता हूँ वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। दोस्तों वर्गमूल की अपनी विधि लिखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। दोस्तों इसकी दो विधियां हैं जिनको मैं अलग अलग अपन करेंगे। पहली विधि है गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरी विधि पढ़ेंगे उसको डिवीजन मेथड, भाग डिवाइडेशन मेथड। दोस्तों एक विधि और आती है लॉगरिथम, लेकिन लॉगरिथम यानी लघुगणक विधि, जिसको कि आप प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको आगे क्लास में पढ़ते हैं। वर्तमान में दोस्तों मैं बात करता हूँ केवल गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि दोस्तों इस विधि में संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं और गुणनखंडों के जोड़े बनाए जाते हैं। दोस्तों पहले तो हमें जो संख्या मिलेगी उसके गुणनखंड किए जाएंगे, गुणनखंड करने के बाद उसके जोड़े बनाए जाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या निकाल लेंगे और सभी संख्याओं के लिए एक जोड़े से जो संख्या प्राप्त की थी सबको गुणा करने पर जोड़ा से प्राप्त होगी वो इसका वर्गमूल होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ इस विधि में संख्या के जोड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और प्रत्येक
प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या आ रही से लिख लो, प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनफल को लेते हैं, से एक गुणनखंड को लेते हुए गुणनफल करने का प्राप्त अभिष्ट संख्या वर्गमूल होता है। दोस्तों यह विधि लेकिन तभी अपनाई जाएगी जिनके जोड़े पूरे होते हैं, नॉट आर लिखोगे यह विधि तब ही अपनाई जा सकती है जब उनके जोड़े पूरे हों। ठीक है दोस्तों, यदि जोड़े अधूरे हैं तो इस विधि का मतलब नहीं सकते। आगे कौन बढ़ेंगे दोस्तों, अब इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई संख्या 18 के जोड़े बना रहे हैं, कर रहे हैं, दो का भाग दिया 9 बार चला गया, भाई दो का इसमें भाग देंगे 18 में, एक में ले जा रहा है, एक साथ दोनों को हम देंगे तो 9 चला गया था। अब हम देख रहे हैं कि 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका भाग जा रहा है 3 का, 3 का भाग देंगे 3 बार चला गया, फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार चला गया 1 बार। तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड आया वो आया है 2 × 3 × 3। वर्तमान में इसके जोड़े 3 के तो पूरे, लेकिन 2 के जोड़े पूरे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे यह गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 2 का जोड़ा पूरा नहीं है। इन सवालों में जैसे मैं कर दिया 36, दोस्तों इसके गुणनखंड करेंगे, इकाई कुछ है, भाग के नियम होते हैं, कुछ उनको मैं नोट करवा दूंगा, उनको लिख लेंगे तो पता लग जाएगा कौन सी संख्या में किसका भाग जाएगा। छोटी से छोटी संख्या का भाग लेते हुए चलना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 का ऐसे भाग है 2 × 1 = 2, 1 बच गया था, 1 × 16 = 2 दोस्तों अभी भी किसका भाग चला जाएगा, 2 × 18, लेकिन अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देख लेंगे, 3 × 9 = 3 दोस्तों यह आया 2 × 2 = 3 × 3। इन दोनों का जोड़ा पूरा है, इनमें से एक संख्या निकाली गुणनखंड में से, इसमें से टोटल कितना आया 6। दोस्तों 36 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। इस प्रकार ये वर्गमूल की बात करें गुणनखंड तरीके हैं, आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल रखते हैं हम दोस्तों, जैसे इसके और काफी सारे एग्जाम्पल रख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास 256 का मान रखा दोस्तों, यदि किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाता है तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, यदि अंडर रूट लगा दे या फिर घात को आधे लिख दे तो हमें उसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। अब देखिए मैं इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहा हूँ गुणनखंड विधि से, 256 में दोस्तों सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देते चलते हैं, 2 × 2 = 2 × 4 × 16 पहले 2 का भाग दिया 1 बच चला गया, 5 में 2 का भाग दिया 2 बन गया था, लेकिन 1 बच गया था 16, 2 का भाग दिया 8 बच चला गया, फिर 2 का भाग देंगे 2 × 6 = 12,
फिर दो का भाग देंगे दो तिया छः, दो दूनी चार, फिर दो का भाग देंगे दो एकम दो, दो छः की बारह। दोस्तों फिर दो का भाग चला जाएगा फोन पे 16, जब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक इसमें इसका भाग चला जाएगा। फिर दो का भाग देंगे दो छक्के आठ, फिर दो दूनी चार, फिर दो एकम दो, इसके गुणनखंड जो वैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लिख लेता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, उसको पुनः देख लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब मुझे इसके वर्गमूल की बात करनी है, तो दोस्तों जोड़े का होता है दो संख्या, इन दोनों का एक जोड़ा तैयार होता है, इन दोनों का एक जोड़ा तैयार होता है, इन दोनों का एक जोड़ा तैयार होता है और इनका भी एक जोड़ा तैयार होता है। दोस्तों प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड ले लेते हैं और इनको गुणा करते जाते हैं, सबको गुणा कर दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, चार दूनी 16, यहाँ लिखेंगे 256 का वर्गमूल 16 होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका एक एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल रख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल दो है इसका, ठीक है। अब याद कर लेते हैं, दोस्तों इसका भी वर्गमूल याद करना है। अब इन्हीं क्वेश्चनों में एक शॉर्ट तरीका और बता दूंगा जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है उनके लिए, दो का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तीन का, तीन दो छः छः एक सात, तीन का नहीं जाता, चार का नहीं जाएगा नहीं, पाँच का नहीं जाएगा, छः का नहीं जाएगा। दोस्तों सात का देख देखते हैं, सात या 21, 3 बज गए थे 728, और फिर 2 बज गए थे 7 या 21, सात का पूरा चला गया। अब दोस्तों मैं जानता हूँ सात का घन कितना होता है 343, यानी अभी भी सात का देख देखते हैं, इनके रूल है मैं लिख पढ़ूंगा, 728, 6 बज गए थे 7 नाम 63, फिर सात का भाग देंगे 7 7 4, फिर 7 का 7 1 7, 7 × 7 × 7। दोस्तों इनका एक जोड़ा तैयार होता है और इनका भी एक जोड़ा, यानी प्रत्येक जोड़े में से मुझे कितने अंक निकालने होंगे, एक अंक, इनमें से एक अंक निकाल लिया 7, इसी प्रकार इसमें से एक अंक निकाल लिया 7। तो कहने का तात्पर्य हुआ इसकी संख्या जो कितनी है 49। दोस्तों 24 01 का वर्गमूल जो आता है वो आएगा 49। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ, जैसे कि आपको याद है कि पूरी वर्ग संख्या है इसका मुझे वर्गमूल याद करना है 24 01, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना ये जो शॉर्ट ट्रिक है केवल वर्गमूल जिसका पूरा पूरा होगा उन्हीं में काम आएगी, बाकी में फेल हो जाती है। दोस्तों मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 2401 का मुझे वर्गमूल याद करना है, तो इसका इकाई कितना है दोस्तों 1, तो मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखवाए थे, किस किस के वर्ग में इकाई है कि 1 आता है, 1 तो 1 के में आता है और 1 9 के में आता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। अब मुझे वर्गमूल याद करना है तो इसके दो अंक को काट देंगे, आप बच जाते हैं 24। दोस्तों 24 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या लेंगे, क्योंकि मैंने 1 से 10 तक की वर्ग इसीलिए लिखवाए थे, 24 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या अक्सर बच्चे क्या ले लेते हैं 20, 20 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या है उसको 16, तो 16 का जो वर्गमूल आया कितना आएगा 4। अब मुझे ये तो पता लग गया कि या तो वर्गमूल इसका 41 आएगा या इसका 49 आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म करने का भी सोल्यूशन है, ये 4, 4 से जस्ट बड़ी संख्या ले लो 5, यानी कोई भी राशि आती है जैसे वर्तमान मान लीजिए क्या होना गया आपके पास, तो 5 से 10 बड़ी संख्या लेंगे 6, ठीक है, दोनों को गुणा करा दिया कितना आया था 20। अब मुझे ये देखना है कि ये राशि 20 से छोटी है फिर बड़ी है, दोस्तों 20 से ये राशि छोटी,
बड़ी है तो इसमें से बड़ा मान रखेंगे, और यदि ये राशि बीच से छोटी होती तो इसमें से छोटा मान रख देते। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा वर्गमूल कितना आया था इसका 49, और यहाँ पर मेरे वर्ग कितना मिला था 49। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसको भी सॉल्व करके दिखाओ शॉर्ट विधि से, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। किस किस के वर्ग में का अंक 6 आता है, मैंने नोट लिखवाया था, एक तो 4 का वर्ग और एक 6 का वर्ग, 4 में भी और 6 में भी, वर्गमूल ज्ञात करने को हम बता रहे हैं। दोस्तों अब बच जाता है मेरे पास केवल 2, तो 2 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है 1 है, और 1 का वर्गमूल भी कितना आता है 1, दोनों जगह लिख दिया। अब लेकिन यहाँ भी कंफर्म नहीं है कि 14 आएगा या 16 आएगा, तो 1 से जस्ट बड़ी संख्या रख देते हैं कितना आया 2। तो दोस्तों ये 2 से बड़ी है या छोटी है, यदि संख्या बराबर की मिल जाती हो तो ऐसी स्थिति में भी आपको क्या करना है बड़ा मान लिखना है, तो इसका जो वर्गमूल कितना आएगा 16 है। ये हो गया दोस्तों आपका शॉर्ट तरीका, और भी एग्जांपल रख देते हैं इसके जैसे। एक एग्जाम्पल और रख लेते हैं 625, अक्सर इस पर की बार ऐसा लिखा जाए, बता दिया था मैं संकेत रूप में इसकी घात आधी लिख दी जाए या फिर अंडर रूट लगा दिया जाए, तो उसका कहने को मुझे सही हो गया कि मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल भी मैं 2 विधि से ज्ञात करके दे रहा हूँ, तो आपके रूप में लिख रख देता हूँ और साइड में एक शॉर्ट लिख देता हूँ। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड में मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या का भाग लेते चलना है, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या मेरे पास 2 है, लेकिन इनसे पहले कुछ नियम याद रखने होंगे आपको वहाँ के, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी गुणनखंड करने में भी। 2 का जो भाग का नियम होता है दोस्तों वो होता है जिनका इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो उनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है। तो वर्तमान में मेरे पास 0, 2, 4, 6, 8 में इकाई अंक है नहीं, तो वर्तमान में 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा। 3 का लेके देखते हैं, 3 × 6 लेकिन 25 बच जाता है। 4 का लेके देखेंगे, 4 × 4 लास्ट में फिर 25 बच जाता है, कट ही जाएगा। दोस्तों 5 का भाग लेके देखते हैं, 5 × 5 1 बच गया, 5 × 2 10 5×5 25। फिर 5 का लेंगे, 5 × 2 10 5×5 25। फिर 5 का लेंगे, 5×5 25, और फिर 5 का लेंगे, 5×5। ये तो हो गया इसका गुणनखंड का तरीका, 5×5×5×5 जोड़ा बना लेंगे, प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड संख्या रख लेंगे, तो इसका वर्गमूल कितना आता है दोस्तों 25। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ, जैसे 625 इकाई अंक क्या मेरे पास 5, तो किस किस के वर्ग में इकाई अंक 5 आता है, केवल 5 के, 5 लिखो अब बच गया दोस्तों मेरे पास केवल 6। 6 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या क्या है, जैसे मैंने लिखवाया था 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। दोस्तों मैंने बताया था इकाई 5 किस किस के वर्ग में होता है, तो केवल मुझे क्या दिखा था ऐसा 5 ही दिखा, जिसका वर्ग करने पर इकाई भी 5 मिलता है। अब मैंने बोला है कि 6 से छोटी वर्ग संख्या, ये सारी की सारी वर्ग संख्या है ठीक है, तो 6 से छोटी वर्ग संख्या क्या है मेरे पास 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, तो इसका वर्गमूल कितना होगा डायरेक्ट 25। इस प्रकार इसका एक और फॉर्मूला है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल और दे रखा है दशमलव, तो दशमलव वाले जो एग्जांपल है तीन शॉर्ट विधि बता देंगे, हमें ये दे रखा है एग्जांपल थर्ड में 0.25। दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करना है कि दशमलव वाली जो राशि है उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका कंफ्यूज होने का कोई स्तंभ नहीं बता देते हैं। जैसे मेरे पास 25 है और यहाँ
मुझे याद है 25 का वर्गमूल तो पूरा पूरा है, लेकिन दशमलव की बीमारी है। यहाँ दो की बात है तो वर्गमूल में एक के बाद लगा देंगे, यहाँ दो अंकों के बाद है तो जैसे यहाँ चार अंकों के बाद है तो वर्गमूल केवल दो अंकों के बाद मिल जाएगा, पाँच के छः के बाद है तो तीन के बाद मिल जाएगा, आठ के बाद है तो चार के बाद मिल जाएगा, यानी वर्गमूल की संख्या आधी हो जाती है। दोस्तों अब याद कर लेते हैं, मुझे याद था मैं यहाँ से दशमलव हटा रहा हूँ और बटे में जीरो हटा देता हूँ। ये भी बता रखा है कि नीचे संख्या के दशमलव हटाते हैं, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे जीरो रख देंगे और नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर, जितने हम लोग ऊपर दशमलव हटाएंगे उतने जीरो रख देते हैं। दोस्तों मैं जानता हूँ 25 का वर्गमूल 5 होता है और इसका 10, नीचे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार आपका ये एग्जाम्पल थर्ड है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों आगे अब पढ़ेंगे भाग विधि। भाग विधि से डिवीजन में होता है, ठीक है दोस्तों। भाग विधि में क्या करते हैं, दी गई संख्या यानी दशमलव से पूरक की संख्या के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब बात याद है दशमलव से क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव से पहले ही संख्या का जोड़ा बनाएंगे और जोड़े दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ, दशमलव के पश्चात के जोड़े बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बनाते हैं। दोस्तों यहां दोनों के नोट लिखवाना है मुझे, भाग विधि में दी गई संख्या दशमलव से पूर्व की संख्या के जोड़े दाएं हाथ से बनाते हैं, ठीक है, तथा दशमलव के पश्चात के जोड़े बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ बढ़ाते हैं। यदि दशमलव बिंदु के बाद संख्या सम नहीं हो तो अंत में शून्य लगा दें, ठीक है दोस्तों। अक्सर संख्या आप देखते हैं जिनकी संख्या पूरी पूरी हो, सपोज करो मैंने कोई अंक रखती है 358.240, तो दोस्तों इसमें जोड़े अलग से बनेंगे दाया से और इनमें जोड़े भी अलग से बनेंगे। अब यहाँ संख्या कम पड़ गई फिर अगर रखेंगे और जैसे मैं कोई संख्या रखती दाया जोड़े इधर से बनते हैं, संख्या कम पड़ जाती है जोड़े लगा देते हैं और भी पूरी पूरी अंक उसको पूरा लिख देते हैं। अब जो ये हल करने के तरीके वो कैसे हैं उसको मैं बता देता हूँ।
से वर्णन करते हैं भाव बुद्धि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखेंगे 625, पीछे से दो दोनों थोड़े बड़े बनाएंगे, इसमें क्या बुद्धि रहेगी ऐसे भी। अब उसको क्या करना है कि छह से जो छोटी संख्या देती है वो कितनी है दोस्तों मेरे पास, वर्ग संख्या चार है, तो चार का वर्ग में कितना है दो, दो को एक लोगे, दो को फिर इसी दो से गुणा कराओ, इसलिए लिखते हैं वर्ग संख्या। जैसे यहाँ आपने चार लिखा था तो इसका वर्ग दो लिखा, तो दो को इसमें जोड़ना है, या तीन लिखेंगे तीन के अंदर हो जाएगा, तो इससे अधिक है दोस्तों, लेस कर दो। अब अक्सर क्या होता है कि बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं, एक संख्या लिखते दो वर्ग, जब हम याद करते हैं भाग बुद्धि से तो पूरा पूरा जुड़ा हो जाता है। 25 कर दिया दोस्तों, यहाँ मैंने जोड़ा था तो इधर भी जोड़ा। अब क्या करेंगे, दो दो चार, इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है, जैसे सपोज करो अब मुझे ये वाली संख्या यहाँ से भाग लेना है, यदि मैं इसके साथ एक रखता हूँ तो ऐसे बना करूँगा, इकतालीस में करेंगे तो इकतालीस आएगा, दो रखेंगे तो दोस्तों दो से गुणा करेंगे, तीन रखेंगे तो इसे तीन से गुणा करेंगे, चार रखेंगे तो इसे चार से गुणा करेंगे, पांच रखेंगे तो इसे पांच से गुणा करेंगे। तो दोस्तों सपोज करो मैं पांच से गुणा करके रख लेता हूँ, बचा 25, 520 है तो 22 दोस्तों, इसका वर्गमूल जल्दी से आ गया, यहाँ मेरे पाँच आ जाता, संख्या मेरे पास खत्म हो चुकी है, प्लस पाँच दोस्तों एक बोला का था दोस्तों क्या गया था 5, तो ये भाग दी से मैंने क्या कर दिया, इसका वर्गमूल 25। इसी प्रकार हमने संख्या रख देते हैं, जैसे 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना था तो इसको भी मैं भाग विधि से बता देता हूँ दोस्तों, बगैर दशमलव वाली संख्या है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पीछे से इसके दो अंकों के जोड़े बना लेंगे। अब क्या करना होगा, मुझे 24 है इससे जस्ट छोटी वर्ग संख्या देखनी होगी जो कि 20 नहीं है दोस्तों, कितनी है 16, 16 का वर्ग नहीं लेनी है 4, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन बताया यदि यहाँ 4 लिखा है तो इधर भी क्या लिखेंगे प्लस का 4, अभी तो 16 होता है, दोनों को गुणा किया था 16 को इसमें से कैसे ये बच गया मेरे पास 8, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे यहाँ। अब दोस्तों जब नई संख्या उतारेंगे तो एक साथ जोड़े को लिखते हैं कि एक अंक, तो जोड़ा क्या है मेरे पास 801। आगे जो हम रखेंगे वो ऐसा रखेंगे कि वह या तो इसके 801 के बराबर आ जाए या फिर 801 से कम आ जाए, तो दोस्तों ऐसी संख्या से आप गुणा कराओ, वर्तमान में सपोज करो मैं इसको 1 से गुणा करा देता हूँ तो 81 आता है कि बहुत छोटी संख्या है, यहाँ यदि मैं 2 रखता हूँ तो फिर मैं इसको किससे गुणा कराऊंगा 2 से, 4 8 16 164 आते हैं दोस्तों। और भी संख्या काफ़ी सारी, सपोज करो मैं 7 रख लेता हूँ, इधर भी 7 से गुणा कराओ, 7 7 49 का 9 4 8 7 56 4 7, अभी भी संख्या छोटी है, लेकिन दोस्तों यहाँ इकाई अंक 1 है, क्या पता इसका पूरा पूरा वर्गमूल मिल जाए, यदि मैं 9 को 9 से गुणा करता हूँ तो इकाई अंक क्या आएगा मेरे पास 1 आ जाता है, 9 को 9 से गुणा किया लंबा लंबा 81 का 81 ला गया 9 8 में, तो बड़ा कितने हो गए 80, पहले तो मैं 4 रखा था अब कितना रख दिया है मैंने 9 रखा दोस्तों, 9 रखने पर क्या मिलाता हूँ मुझे 801, यदि संख्या आगे बढ़ेगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगा, लेकिन वर्तमान मेरे पास पूरी संख्या खत्म हो चुकी है दोस्तों, इसका वर्गमूल जो है कितना आएगा 4 49 24 01 का वर्गमूल। इस प्रकार ये इसकी आपकी भाग विधि होती है, इसके अंदर और भी काफी सारे एग्जाम्पल है, लिखते हैं 1225 इसका वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं,
पीछे से दो तरफ कॉपी जोड़ी बांध लेते, ठीक है। 12 से छठी वर्ग से क्या आया आपके पास, 9 है, 9 का वर्ग करोगे 25 से, ठीक किया, लेस कर दो दोस्तों, 3 बचते हैं, जो मैं संख्या लिख रहा हूं उसको गोला बना देता हूं। अब ले लेता हूं 25, 3 और 3 कितने हो गए 6। अब मैं यहां ऐसी कौन सी संख्या रखूं ताकि 325 या फिर 325 से छोटी हो जाए। सपोज करो दोस्तों मैं 5 ले रहा हूं, 65 को 5 से बना दूं, 50 25 80 2 56 20 और 2 32 दोस्तों, यहाँ मैंने 5 रखा था, 325 आ गया था, इधर 0 बच रहा है और यहाँ संख्या कंप्लीट हो चुकी है, इसका वर्ग में कितना आ गया 35 दोस्तों। इस प्रकार आपके की वर्गमूल की संख्या भी कंप्लीट होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल नंबर 4, इसमें बड़ी संख्या रखा है, तो पीछे से दोनों के दोनों बनाते हो, ठीक है, 81 से छोटी है, 81 के बराबर संख्या क्या है 9, 81 लेस करो दोस्तों 0 बचता है, 9 दूनी 18। अब यदि मैं एक सब संख्या लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये संख्या आती है 58, उसको पहले 9 लिखा था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि एक से गुणा करता हूं इसको, या एक रखता हूं तो इसका मान छोटा ले जाता है, यहां जीरो रखता हूं पूरा मान जीरो हो जाता है। दोस्तों यदि मैं सबसे छोटी संख्या के पास एक है एक रखता हूं तो संख्या एक रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ दिखाया जीरो रख दिया, यहाँ जीरो रखा है तो यहाँ भी जीरो रख दूंगा। अब मैं नई संख्या देखता हूँ यहाँ दूसरा जो रख दिया है तो मैंने, अब इसके पास संख्या मुझे रखनी है, जैसे यहाँ जीरो रखा तो यहाँ भी जीरो रख लिया और फिर इसके एक साथ जोड़ा दे। सपोज करो मैं यहाँ संख्या 2 रखता हूँ तो 2 से गुणा करेंगे उसको 36 हो जाएंगे। सपोज करो मैं यहाँ 3 रख देता हूँ 54 इसके आसपास आ जाएंगे, 3 दिया 9 0 54 3 रखा था, दोस्तों इसमें 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएंगे। अब मेरे पास जो संख्या आ रही है वो इसमें से लेस कर देते हैं, 1 बचेगा इधर, 8 बचेगा इधर, 4 बचेगा तो 481 ये संख्या इससे भी छोटी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या लगाना पड़ जाता है मुझे दशमलव, तो मैंने पहले ये लिखा था ये लिखा था इन दोनों रख दिया पहले, अब दशमलव के लिए क्या करना होगा मुझे एक साथ अंक रखने के लिए मैं 2 जीरो रखें, ठीक है, 2 जीरो रखें, इसके बाद कितने भी अंक बना दो दशमलव के बाद, ठीक 1806। यदि मैं 1 रखता हूँ तो 1 से गुणा होगा दोस्तों, इसको मैं रख देता हूँ लगभग 2 बार हो जाता हूँ 38 भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 4 6 दूनी 12 का 2 का 18 दूनी 36 तो मैंने रखा है 2 तो प्लस का बोले थे 36124। अब जो नई संख्या प्राप्त होनी पड़ेगी 18064। अब दोस्तों बात यह आती है कि ये संख्या लेने के बाद मैंने क्या लगाएगा दशमलव, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा,
इनमें से संख्या को घटा कर देते हैं वो बचेगी 11,906। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 11,976 में 18,664 का भाग नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में भी क्या रख देता हूँ मैं 2 0। तो रखेंगे दोस्तों इसका भी 18,064 के पास 18 4 72 18 5 90 अपना काम रह देखना चाहिए 108 लगभग 6 बार चला जाएगा दोस्तों, 6 से गुना कर देते हैं इसको, यह आएगा 10,000। हाँ यानी 6 6 36 का 6 का 3 6 6 24 3 27 6 6 36 38 38 पूरा पूरा इंडिया 18 108 दोस्तों, यही था 6 10 7 10 83 87 7। दोस्तों इसके बाद जो मैंने इसे क्या रखी है, मैंने दूरा का पता क्या रखी है 6 दशमलव के केवल 2 अंकों तक ही जाते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसका जो वर्गमूल आएगा 81,589,000 का वर्गमूल जो आता है दोस्तों वो आता है मेरे पास 903.34। इस प्रकार आपके बड़े अंक के भी वर्गमूल याद किए जा सकते हैं। अब दोस्तों किस तरह क्या देता हूँ दोस्तों, एग्जाम्पल वैसे ले लेता हूँ 3 का वर्गमूल जो कि हम जानते हैं इसका वर्गमूल 1.73 तो होता है दोस्तों, इसका कैसे ज्ञात करेंगे, केवल एक ही संख्या है तो जोड़ा भी तैयार कर दिया, इससे जो छोटी संख्या दोस्तों मेरे पास 1 है 10 का 1 1 10 कर देंगे कितना बचेगा 2। अब दोस्तों मेरे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 10 1 2 लिख दिया था। अब क्या करते हैं ये संख्या 1 रखेंगे तो मेरे पास कोई मान नहीं है उतारने के लिए, दशमलव लगा के 0 लगा दोस्तों, 2 2 0 लगेगा, 2 0 लगाऊंगा अब मैं 5 रखता हूँ तो 500 बना करूँगा 125 आएगा, 7 रख के देखता हूँ 27 गुना 7 और कुछ दोस्तों 7 7 49 का 4 9 का 0 4 7 14 4 दोस्तों 28 रखेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी 7 7 49 का 9 का 0 4 7 14 4 18 10 का 7। लेकिन दोस्तों जैसे ही संख्या मेरे पास कम पड़ गई थी मैं दशमलव लगा के यहाँ पे दशमलव लगा दें ताकि बाद में भूल जाओ फिर क्या काम है 7। अब बचता है मेरे पास 1, इधर संख्या रहेगी मेरे पास 9, यहाँ बचेगा 1 यानी केवल 11। अब इनको हम करेंगे 7 7 34 कहने का तात्पर्य हुआ दशमलव के केवल 2 अंकों तक तो मुझे जाना ही होगा, 2 0 रख दिए। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ 3 रख देता हूँ, यदि 300 को मैं 3 से बड़ा करता हूँ 343 को और मैं 3 से बना करके देखता हूँ तो इस संख्या लगभग 1100 के आसपास आती है, 3 3 9 312 का 2 का 3 3 9 10 दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्लस का 3 1000। अब दशमलव की जो शुरुआत संख्या रह गई है दशमलव के बाद 2 0 3 0 0 एक 7 1 3 11 तो दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको दशमलव के 2 अंकों तक ही जाना है, तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.73। इस प्रकार आपके ये वर्गमूल की भाग क्लियर होती है दोस्तों। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें, और यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।